नमस्कार। सो एमसीसी ने फाइनली अपना काउंसलिंग ब्रोशर निकाल दिया है, और मैं आप लोगों को हमेशा वही कहता हूँ कि सिर्फ इससे काम नहीं चलता कि आपने काम स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये भी हो सकता है कि अब एक दो दिन लेट हो जाए फॉर्म फिल, जो 20 तारीख को होना था, क्योंकि दे शुड गिव टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, मॉपअप का नाम बदल के अराउंड 3 रख दिया गया है। स्ट्रे मॉपअप एज इट इज़ है, 65 पेज का ब्रोशर है। हम सीधा एग्जैक्टली वहाँ चलेंगे जो कि आपके काम की चीज़ है, जो इस साल नया हो गया, राइट, जो पहले से है वो सबको पता है। तो देखिए, एमसीसी का पोर्टल है, हम सभी जानते हैं कि जो एमसीसी है वो काउंसलिंग कराती है, एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मतलब बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, 15% हर गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा, ईएसआई का कोटा, और दिल्ली के स्पेशल केस में दिल्ली की 5 कॉलेजेस का 85% वाला कोटा भी। और दिल्ली वालों को हमेशा नुकसान रहता है, क्योंकि ना दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो नेशनल ओबीसी नहीं है पर दिल्ली में ओबीसी है, सच बताऊँ तो जाट, एग्जाम्पल। अब वो बेचारे, अगर ये लेडी हार्डिंग या मौलाना आज़ाद या इनका स्टेट कोटा अलग से हो रहा होता तो वो अपने आप को ओबीसी कर लेते, पर चूंकि एमसीसी काउंसलिंग करा रही है और नीट फॉर्म के हिसाब से वो ओबीसी नहीं है तो वो ओबीसी नहीं बन पाते और जनरल में ही उन्हें करना पड़ता है, तो ये एक नुकसान होता है। मैंने बोला सबसे बड़ा चेंज है उसका, और उसकी चेंज की वजह से देखते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या चेंज हो रहा है। नाम बदलने से तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता ना, ये कन्वर्जन वगैरह आप सब जानते हैं कि रिजर्वेशन होती है, कन्वर्जन लास्ट ईयर आ चुका है कि जो हम कहते हैं अब राउंड 3 के दौरान ही, 2021 तक ना राउंड 3 के बाद होता था, तो सरकारी का पीडब्ल्यूडी सीट्स और डीम्ड की एनआरआई सीट्स बन जाती हैं जनरल सीटों में। और लेकिन लास्ट ईयर क्या था कि राउंड 3 के बाद राउंड 4 डीम्ड का होता था हर कॉलेज में, और सरकारी का इन्होंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था, राइट। बट इस साल मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा सीट्स की, अब हरियाणा का जो स्टेट 85% सरकारी सीटें हैं वो हरियाणा अपना डिसीजन लेगा कि उनको उसको भी ऑनलाइन करना है या लास्ट राउंड कॉलेज लेवल पे करना है। अब डीम्ड का चौथा राउंड भी ऑनलाइन होगा, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये देखिए कन्वर्जन जो हम कहते हैं कि ये थर्ड राउंड के दौरान ही राउंड 3, ये जो डूरी राउंड 3 वर्ड आया था ना, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था हमारी इस दुनिया में, जिसे कहना चाहिए एमबीबीएस काउंसलिंग की। और कन्वर्जन तो यही है कि भाई जो अगर जो पीडब्ल्यूडीसी सीट्स हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में चली जाती हैं, ऐसा तो खैर होता नहीं है कि एसटी एससी पीडब्ल्यूएस ना ही हो, होंगे तो फिर वो ऐसे कन्वर्ट होंगे, राइट। अब आगे देखिए, हम सभी जानते हैं, अब ये हुआ है जिसने ये समझ लो जी चेंज करा है कि एक केस चला है लास्ट ईयर, इस केस का डिटेल ना मुझे पता है ना हमें जानने की ज़रूरत है, लेकिन अब जो चौथा राउंड है वो भी ऑनलाइन ही होगा, ये आगे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, और इसकी वजह से काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी कुछ चेंज होगा। लेट मी ऑनेस्टली ओपनली से, जो डीम्ड के राउंड 4 में हम, मैं ही कहता था आपको ना कि कुछ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर साइड डोर से बैक डोर से एडमिशन होता है, अब होना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चौथा राउंड भी तो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो फिर तो ऑनलाइन में तो कंप्यूटर जब काउंसलिंग कर रहा है तो मेरिट से ही करेगा ना। और अभी भी देखिए, कह सकते हो कि चौथे राउंड में भी अभी आगे आएगा कि जब ऑनलाइन हो रहा है तो कोई भर सकता है फॉर्म, और अगर वो सीट नहीं लेगा तो वो अगले 2 साल तक नीट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो लाइन अभी आगे आ रही है। तो शायद ओनर्स लोग फिर भी एक जरिया निकालेंगे उस बच्चे के लिए जिसको फ्यूचर में एमबीबीएस नहीं करनी है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी जो जेनुअन बात यह है कि वो ये है कि स्टे मॉपअप इकट्ठे चलता था, जानते हैं ना, अक्रॉस इंडिया, तो लोग सोच नहीं पाते हम कहाँ जाएं, मतलब कि कस्तूरबा में भी सीट्स हैं, कृष्णा कराड़ में भी सीट्स हैं, उड़ीसा में भी सीट्स हैं, मैं कहाँ की फ्लाइट पकड़ूं। लेकिन अब आपको ऑनलाइन ही सिंपल आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और आपको आपके मार्क्स के हिसाब से सीट मिल जाएगी। तो किस केस ने सारा रूल चेंज करा दिया है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनआरआई का जो वो होता है वो होना चाहिए कि भाई या तो आप खुद एनआरआई हो, या हिंदी में तो सगा चाचा ताऊ बुआ मौसी या मामा में से एक एनआरआई होना चाहिए, राइट। हम सभी जानते हैं डीम्ड में या तो नॉर्मल सीट होती है या एनआरआई होती है, जो जैन माइनॉरिटी वगैरह हैं उनकी बात अलग है, ओके। तो उसमें आ जाता है ये और उनको दे दिया जाता है, तो वो उसके हिसाब से चलेगा।
तो और ये बता भी दिया इन्होंने कि जब कन्वर्जन होगा तो कैसे होगा और किस लॉजिक से होगा। ओके सो ये मतलब ये सब लास्ट ईयर की बातें हैं जो सबसे बड़ा चेंजेस हैं, जिसकी वजह से मैंने बोला ना इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें कुछ कुछ खास फर्क नहीं है, हम सब जानते हैं ये सेम लॉजिक है। इंश्योर्ड पर्सन का कोटा होता है, हम सब जानते हैं, कोई तो डोमिसाइल नहीं होता उसमें। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कैसे होता है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है कि हमें समय लगाने की बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो मुद्दे की बातें हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो जो हम कहते थे ना लास्ट ईयर पे, लास्ट ईयर लाए थे नया रूल कि सेकंड राउंड में जब आप जाके सीट अलोकेट करवा ली, रिपोर्ट कर दी, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। ये रूल 2021 तक नहीं था, 22 में लाए थे, 23 में फिर हट गया है, क्योंकि अब राउंड 2 टू राउंड 3 अपग्रेडेशन तक अलाउड हो गई है। राइट, तो ये सब पेज जैसा मैंने कहा फालतू के हैं, इनमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जो काम की बात है वो यहाँ आ गई। आपने रजिस्ट्रेशन करा, हम सभी जानते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये देखो, आपने रजिस्ट्रेशन करा फिजिकल, पहले आपको जो लिखा हुआ था कि आप अपलोड ऑफ असेसमेंट सर्टिफिकेट करेंगे रिजल्ट के बाद, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा राउंड 1 के बाद। अगर आपको सीट लेनी है, फ्री एग्जिट अभी भी अलाउड है राउंड 1 में, जाके सीट ले लोगे और आप अपग्रेड के लिए मांग मांग सकते हो। जहाँ तक रूल सेम है, मतलब पिछले साल के रूल से कोई चेंज नहीं है। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं वो पहले बहुत सारे वीडियो सुन चुके हैं। अब आ गया राउंड 2, फिर से वही बात है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, ठीक है, लेकिन अब जो चेंज हुआ है कि अब राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हो। और अगर वही बात है, जब आप अपग्रेड हो जाते हो 1 टू 2, तो 1 की सीट आपकी चली जाती है। उस मौके पे ये हो सकता है कि आप 1 से डिलीवरी लोगे और 2 को ज्वाइन ना करके आप एग्जिट ऑफ काउंसलिंग कर सकते हो। ये सब एक लूप होल्स होते हैं प्रोसेस में, मस्ट बी डिलीविंग एंड ज्वाइन राउंड 2। ये देखिए, ये अलाउड होता है, ठीक है ना। ये हम ये लाइनें इंपॉर्टेंट होती है। और आप राउंड 3 तक भी अपग्रेड मांग सकते हो, सेम सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। राइट, जिनको सीट नहीं मिली है उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है राउंड 3 में, जो लास्ट ईयर भी होता था पॉपअप में। सभी लोग अलाउड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो करते भाई 11,000 या 2,05,000 देके, और रिजाइन नॉट रिपोर्टेड नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस विद फुल पेमेंट। हम जानते हैं ना कि जिन्हें राउंड 2 में सीट मिल के नहीं लेती है तो 2,05,000 रुपये खराब हो जाएंगे, 11,000 रुपये जो भी केस है। अब ये देखो, इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड सीट, ही इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम। वो भी हम जानते हैं। अब आ गया मेन, तो अभी तक सब ना सेम चल रहा है। राइट, राउंड 3 में आप ज्वाइन करते हो देन यू कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। बट आप अपग्रेड हो गए, आप पुरानी सीट को छोड़ दो, वो तो आपकी छूट चुकी है, और आप जाके रिपोर्ट नहीं करो तो भी अलाउड है थर्ड राउंड में। उसमें क्या पेनल्टी है? बेसिकली भाई आपका डिपॉजिट खराब हो जाएगा, जो 2 लाख आपने दे रखा है। आप जानते हो 2 लाख कभी भी एडजस्ट नहीं होता फीस में ना, वो खा जाएंगे। अब ये देखो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्टे। यहाँ भी कंफ्यूजन है, ये लाइन को याद रखना, ठीक है। और वो कह रहे हैं डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंट्रल स्टेट्स आफ्टर राउंड 3, एंड इफ कैंडिडेट हैज हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट देन ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन 4th राउंड। ओके, हमने बोल दिया ऑनलाइन होने वाला है। ये वो रूल जो मैंने बताया सबसे बड़ा चेंज हो गया है। अब एक और, अब आप 4th राउंड में सीट लेते हो और ज्वाइन नहीं करते हो तो आप नीट काउंसलिंग ऑफ MCC 2 साल तक डिबार होगी। मतलब अगले 2 साल तक आप MCC में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्टेट्स में शायद कर सकते हो। ठीक है जी, ये आ गया सारा नॉर्मल। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस है ना, दे ऑल आर वेरी वेरी नॉर्मल। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो मेरे भी क्लाइंट्स होते हैं कि आप अपने ही अकाउंट से पैसे भेजिए। और MCC काउंसलिंग ना नीट के डेटा को पिक करती है, तो इसलिए MCC वालों ने स्पेशली आपको बोला है ना वो कैटेगरी चेंज करने के लिए, जिसको NRI स्पॉन्सर्ड बनना है या NRI बनना है, क्योंकि बाकी सब स्टेट्स में ना फ्रेश भरोगे तो आप चाहे इंडियन थे, आपका NRI स्पॉन्सर्ड आ गया, आप डायरेक्टली लगा दोगे हरियाणा स्टेट, यूपी स्टेट, कर्नाटका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट चूंकि MCC वाले नीट का डेटा उठाते हैं, इसलिए जो नीट में आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था ना, वही यूज होगा। हम चाहकर भी नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर यूज नहीं कर सकते MCC काउंसलिंग के लिए।
क्योंकि वो वही यूज होगा जो कि आप नीट में दे चुके हो या ऊपर के फॉर्म में निकल चुका है। बट बाकी सब स्टेट्स में आप नया ईमेल, नया मोबाइल, नई कैटेगरी, अपने आपको एनआरआई स्पॉन्सर दिखाओ मत दिखाओ कर सकते हो। इसलिए एमसीसी में या तो आप एनआरआई हो या आप जर्नल हो या आप ओबीसी हो या एससी हो एसटी हो। तो एक बार आप एनआरआई बन गए, वो जो फॉर्म निकला हुआ है, फिर आप वापस से जर्नल ही बन सकते हैं अगले राउंड में। ये एक ही बार मौका देते हैं, और ये मौका देते हैं जर्नल से एनआरआई बनने का, एनआरआई से जर्नल बनने का नहीं देते, ये ध्यान रखना वो करने से पहले, ठीक है। इसमें चॉइस लॉकिंग का आ चुका है कि अपने आप चॉइस सबमिट लॉक हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। पर जब आप लॉक करते हो ना, तो आप एक प्रिंट लेटर निकाल सकते हो जो वैसे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमने वो फ्री एग्जिट है, ये देखो अब इफ अ कैंडिडेट अबाउट, हाँ तो आपको बोला कि पैसे लगेंगे, हु आर एलिजिबल सेकेंड राउंड, बड़ा सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। अब ये देखो कौन है जो नहीं कर सकता, जिससे कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है और जिसने अभी तक रजिस्टर ही नहीं करा, वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, बाकी सब अलाउड है, राइट। वो आर नॉट अलाउड टू, और जिसने फर्स्ट राउंड में जाके फ्रीज कर लिया अपनी सीट, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है बस। तो दीज आर कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल। ये देखिए फ्रेश चॉइस फिलिंग हमें करनी पड़ती है। ये देखिए वंस यू ज्वाइन सेकेंड राउंड सीट यू अलाउड विलिंगनेस टू अपग्रेड, इफ हाउएवर यू डिसाइड टू ज्वाइन एंड देन रिजाइन यू शैल फॉरफिट योर डिपॉजिट ओनली। क्योंकि अब चूंकि अपग्रेडेशन अलाउड है, तो सेकेंड राउंड ज्वाइन करने के बाद भी आप इस्तीफा दे सकते हो अगर आपको स्टेट में राउंड टू में कोई अच्छी सीट मिलती है, राइट। तो यू आर सपोज यू कैन रिजाइन योर सीट। अब आगे अगेन हुआ एलिजिबल, हुआ नॉट एलिजिबल, देखिए कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा, वो तो है ही ना, बाकी सब एलिजिबल हैं। रजिस्टर कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिली, रजिस्टर कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड सीट एंड हु सेकेंड राउंड ऑफ सीट गेट कैंसल्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टेड एंड अपग्रेडेशन। और जिसने ये करा वो दोबारा से पैसे देगा, जिसे हम वो एग्जिट बोलते हैं, राइट। अब ये देखो, अब ये है काम की बात है। तो पेज नंबर 39 से तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इससे आपको ध्यान देना है, ओके। वंस यू ज्वाइन थर्ड राउंड सीट यू विल नॉट बी अलाउड टू वैकेट अलोकेटेड थर्ड राउंड। हाउएवर इफ यू अलाउड अ सीट इन थर्ड राउंड एंड हैव नॉट ज्वाइन द कॉलेज इंस्टीट्यूट यू कैन एग्जिट विद फॉरफीचर, हम सभी जानते हैं, राइट। और आप स्टे मॉपअप में नहीं आ पाओगे एमसीसी के, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, ये सब फिर से कॉमन बातें हैं। ये तो होता ही है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो ही जाती है। पहले आप डिलीवरी लेटर लेते हो पुराने कॉलेज से, जब आप अपग्रेड होते हो, ये सब ना कॉमन चीजें हैं जो आपने पहले कई बार सुनी हुई है। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26, सेम है, ऑप्टेड फॉर डीम यूनिवर्सिटी, मैंने ऑप्टेड फॉर ऑल इंडिया। तो वो कहते हैं आप, हम सब जानते हैं बीच में रीसेट का ऑप्शन आता है कि मुझे सिर्फ सरकारी पार्टिसिपेट करना है। वेदर अपग्रेडेशन इज अलाउड फ्रॉम सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग टू राउंड थ्री, यस ये है चेंजेस, अपग्रेडेशन अलाउड हो गया है। बट थर्ड राउंड अगर आपको सीट मिल भी गई ना, फिर आप ट्रेन नहीं आ सकते एमसीसी के। वो एमसीसी यही कहते हैं कि अब आप एमसीसी के, आपको राउंड थ्री में सीट मिली, आप मत लो, छोड़ दो मर्जी आपकी, क्योंकि आप स्टेट्स भी कर रहे थे, तो फिर आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, आपके 2 लाख भी खराब हो जाएंगे। अगर सरकारी की बात करें, प्राइवेट की बात, वो सरकारी की बात करें तो 11,000 खराब होंगे, प्राइवेट की बात करोगे तो 2 लाख रुपए खराब होंगे, क्लियर है। अब ये देखो हुआ नॉट एलिजिबल, जिसे ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इसमें अपग्रेडेशन तो है नहीं, एलोकेट करा रिपोर्ट नहीं मिला, तो आप राउंड फोर का फॉर्म नहीं भर सकते चाहकर भी। अब यहां पर कहते हैं कैंडिडेट हु हैवंट रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड दे आर नॉट एलिजिबल, और ऊपर क्या आया था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अलाउड। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्वेरी जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब कि जिसने पहले रजिस्टर नहीं करा था वो नहीं आ सकता, बट ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी ना, वो जो केस आया था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो अलाउड है। ये देखो तो फिर कैसे करेगा काम, राइट। ये इनको देखना पड़ेगा, ये मेरे को भी लग रहा है कि दोनों जगह पर कंफ्यूजन है। इफ समबडी कैन अंडरस्टैंड यू कैन प्लीज पुट ऑन द कमेंट, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी सब ठीक है, यहाँ पे लिखा फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, भाई जो केस आया है तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों मना कर रहे हैं, ये मेरी यही कन्फ्यूजन आ गई, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 30 का आंसर आपस में क्लैश कर रहा है। हम सब जानते हैं 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है बस, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो भी आप टारगेट कर रहे हो,
बैंक अकाउंट में हमेशा रखिए, बाद में लोन लेने का समय नहीं मिलता। ये लेटर चाहिए, कुछ भी ऐसा खास कागज नहीं है जो आपके पास नहीं होगा, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स के अलावा सभी आपके पास होंगे, राइट। कोई चिंता नहीं है, जिसके अपने अपने सर्टिफिकेट्स हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, हम सभी जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर रीजनल लैंग्वेज में तो चेंज करा लीजिए, ठीक है। 11,000 रुपये, 2,05,000 रुपये, ये सब यही लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मॉप अप राउंड 3 तक जाएगा। आइए अब इसका ना वो देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या है। जो हम बात करते थे ना कि आप गवर्नमेंट में राउंड 2 में, क्योंकि आपको लेना पड़ता था और आपके पास ऑप्शन नहीं थी, जैसे से कोई दिल्ली के बच्चे हैं उन्होंने लास्ट ईयर तक ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 लिया, तो वो आईपी राउंड 2 में नहीं बैठ पाते थे या अपने स्टेट्स में। अब आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 अपग्रेड करके बेसिकली अपने स्टेट का राउंड 2 तो एटलीस्ट आराम से देख सकते हो, क्योंकि हर स्टेट में भी राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो आई थिंक इस रूल का जो बेसिक पर्पज़ है, और जो भाई कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा अदर देन दैट डीम्ड वाला ऑनलाइन, आई थिंक ये तभी चेंज हुआ है कि जो स्टेट्स काफ़ी दिक्कत में आ रहे होंगे बच्चे कि हम अपना स्टेट का राउंड 2 देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि हमें ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आप सीट फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट अपग्रेडेशन डाल दो, आपको बेटर सीट चाहिए, अपना स्टेट देखो, स्टेट में आपको अच्छी सीट मिल जाती है। आई थिंक आप यहाँ पर जाके रिजाइन भी कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, राउंड 3 के बाद भी छोड़ सकते हो, ऑल इंडिया कोटा में आ गया आपको जाने नहीं, क्योंकि आपको स्टेट की राउंड 2 सीट मिल चुकी है। तो आई थिंक इस चेंज से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो ये है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बच्चे दुखी हो रहे थे कि हम अपने अपने ही स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के बच्चे जो आईपी का राउंड 2 होता है, अब वो आराम से खुले दिल से प्यार से कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो राउंड 2 में सीट ली है वो आपकी कंफर्म हो गई, और आप वहाँ भी अपग्रेड डाल सकते हो नेक्स्ट सीट के लिए, तो आपको वो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बताऊँ तो हम ही एडवाइस देते थे, अब आप राउंड 2 को रिपोर्ट कर सकते हो, राउंड 3 का अपग्रेडेशन मार दो, अपना स्टेट को राउंड 2 तो आराम से देख लो। और देखिए उस अपग्रेडेशन के बाद भी अगर डेट्स क्लैश कर गई, जो आपके स्टेट का 3rd राउंड आएगा, अब पता नहीं स्टेट उसको राउंड 3 बोलेंगे या मॉपअप बोलेंगे, क्योंकि जो यार ना एमसीसी का शेड्यूल जो आया था उसमें भी लोगों ने मॉपअप वर्ड यूज करा था, और यही हम फर्क कहते हैं ना, मतलब कि जो हम कहते हैं कि हाउ थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, ये जब शेड्यूल आया था तो इसमें सोचिए हमने इसमें राउंड 3 लिखाया था, और हम ही मान के चल रहे थे मॉपअप मॉपअप मॉपअप, लेकिन आई थिंक उस शेड्यूल में भी इन्होंने राउंड 3 ही डाल दिया था, मॉपअप वर्ड हटा दिया गया, तो इस साल से मॉपअप वर्ड गायब हो गया। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चेंज। बाकी तो भाई ये पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट कहाँ आपको जानना है, बाकी जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जो भी आपके परफॉर्मेंस होते हैं अपेंडिक्स सारे वही हैं कि आपको किस तरीके से अपने अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। ओके, सो आई थिंक दिस चेंज स्पेशली इन ऑल इंडिया कोटा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलेगा कि कैसे वो इम्पैक्ट करेगा चॉइसेस को, स्ट्रेटजी को, चॉइस फिलिंग को, राउंड 2 में सीट लेनी है क्या करना है, स्टेट्स के रूल अभी आएंगे, पर मोटा मोटी तो यही फायदा है, अगर मैं एक लाइन बोलूँ कि आप अपना स्टेट का राउंड 2 देख सकते हैं, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको चलना है, क्योंकि तो जैसा हमने कहा कि ऑल इंडिया राउंड 3 में काफ़ी पीडब्ल्यूडी की सीट चेंज होंगी और आपकी नॉर्मल सीटें बनेंगी, तो उस कभी कभार आपको बेटर कॉलेज मिल सकते हैं, जो भी आपकी रैंकिंग है जो हम दूसरे वीडियोस में बता ही चुके हैं। ओके, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, नाउ द रियल काउंसलिंग विल स्टार्ट। कुछ स्टेट्स ने पहले से फॉर्म भरवा दिए थे, बट MBBS की असली काउंसलिंग तो अब 20-21 तारीख से स्टार्ट होगी। हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए, फर्स्ट कॉल या फर्स्ट मीटिंग इज ऑल्सो चार्जेबल, मैं बार बार क्लियर कर दूँ, एंड देन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारा पैकेजेस होते हैं। आपके मार्क्स कम हैं लेकिन आप लास्ट तक कर्नाटका केरला देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जो लो कॉस्ट कॉलेजेस स्टेट्स हैं, बिहार के कुछ कॉलेज जो लो कॉस्ट हैं, उन सब में हमें आपकी हेल्प करते हैं, बताइएगा हमको, कॉल कीजिए अगर आपको हमारी मदद चाहिए। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।